सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको एक पहले की वीडियो में बता रखा है कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक न्यू रिक्वायरमेंट भर्ती आई हुई है। जो यह भर्ती है वो आप यहां देख सकते हो, बिहार सचिवालय सहायक पर यह भर्ती थी बीएसएससी सीजीएल 2022 के लिए। सो टोटल वैकेंसी जो है 2187 होने वाली थी, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो इस वीडियो में मैंने आपको प्रोसेस बताया हुआ था। सो यदि आपने नहीं देखा तो आकर के आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर टाइटल देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इस वीडियो में हमारे व्यूवर्स के तरफ से बहुत सारी क्वारीज थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कितना दिन पुराना होना चाहिए, एमबीसी का मतलब क्या होता है, और आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर जानकारी से रिलेटेड, आपको एमबीसी का मतलब क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सो इन सभी क्वारीज से रिलेटेड बहुत सारी थी, तो हमने एक सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए जिसमें आपको ये सारी जानकारी मिल सके। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर आप कुछ डिटेल फिल करोगे, जैसे कि यहाँ पर आप अपने नेम को फिल कर देते हो। इसके बाद आप यहाँ पर जेंडर को सेलेक्ट करते हो, डोमेसाइल यदि बिहार से हो तो आप यहाँ पर जनरली यस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो। तो गाइज, इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है कैटेगरी ऑप्शन, जिसमें आपको एक अलग ऑप्शन मिलता है एमबीसी। इसका मतलब क्या होता है वो भी आपको जानकारी मिलेगी। स्टार्टिंग वाइज देख लो तो जनरल ऑप्शन है, एमबीसी का ऑप्शन है, बीसी का ऑप्शन है, एससी का ऑप्शन है और एसटी का ऑप्शन है। इन दो ऑप्शन के बारे में आप सभी को जानकारी होगी। जनरली आपको देखना है एमबीसी का मतलब क्या होता है और बीसी का मतलब क्या होता है। इसके साथ साथ आपको जनरल भी ऑप्शन में भी ईडब्ल्यूएस से आते हो तो आपको कैसे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप यहाँ पर सबसे पहले तब देख सकते हो कि आपको मैं सबसे पहले जनरल वाइज बताता हूँ कि यदि आप जनरल से आते हो और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप कैसे ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जनरल ऑप्शन जनरली आप सेलेक्ट करोगे। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पर एक अलग ऑप्शन इनेबल हो जाता है। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आप जनरली यहाँ यस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसी के साथ साथ आपको मैं नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। तो यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जिसमें आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी आरक्षण से रिलेटेड। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, इसी के साथ साथ पिछड़ा वर्ग वो आपको देखने को मिल जाएगा बीसी यानी, और उसके बाद मिलता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, इसके बाद अनुसूचित जाति जो एससी से होते हैं और अनुसूचित जनजाति जो एसटी से होते हैं, वो जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें एमबीसी से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर जनरली उसका ऑप्शन यही है, उसका मतलब यही है कि ईबीसी उसका ऑप्शन होता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि आप सभी को पता हो कि ओबीसी में दो कैटेगरी आते हैं, बीसी वन और उसके बाद आपको आता है ईबीसी। तो यदि आप ईबीसी से बिलोंग करते हो तो ईबीसी ऑप्शन यानी एमबीसी ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, यदि आप बीसी यानी बैकवर्ड क्लासेस ऑप्शन से आते हो तो आप यहाँ बीसी ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। ये आपके ओबीसी के दो ऑप्शन होते हैं जो आपको सेलेक्ट करने होंगे, वो आपके कास्ट वाइज डिपेंड करते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यदि आप ये दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो कोई भी, जैसे कि मैंने यहाँ पर बीसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया, तो आपको एक अलग ऑप्शन इनेबल हो जाता है जो आप यहाँ देख सकते हो नॉन क्रीमी लेयर का। तो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर आता है, यदि आपकी इनकम 8 लाख से कम है आपकी फैमिली की इनकम, तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो और उससे रिलेटेड आपको एक अलग से ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर का बनवाना होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखोगे, यदि आप नॉन क्रीमी लेयर से आते हो तो आप यहाँ जनरली यस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, और अदरवाइज आप यहाँ पर जनरली नो ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो गाइज, आई होप आपको यह जानकारी मिल गई हो कि जनरल में आपको ईडब्ल्यूएस से आते हो तो कैसे सेलेक्ट करना है, इसी के साथ साथ ओबीसी से आते हो तो एमबीसी का मतलब क्या होता है और बीसी का मतलब क्या होता है, और इसी के साथ साथ नॉन क्रीमी लेयर ऑप्शन को आप कैसे सेलेक्ट करोगे। इसी के बाद आपको और भी जानकारी होनी चाहिए जो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि बहुत सी लोगों की क्वारीज थी कि यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंट सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो जनरली कितना साल पुराना होना चाहिए, तो उससे रिगार्डिंग आपको यही नोटिफिकेशन में जानकारी मिल जाएगी पेज नंबर 3 में, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर मिल जाए कि आपके पास यदि कास्ट सर्टिफिकेट है जो आप दे रहे हो तो आपको जनरली 1 साल पुराना होना चाहिए, यदि उससे ज़्यादा पुराना है तो इसी के साथ आपको विहित पत्र 18B वो आपको साथ में घोषणा पत्र समर्पित करना होगा। यह एक पेज है जो आपको खुद से साइन करके आपको वहां पर देना होता है, वो आपको साथ में देना होगा। अदरवाइज 1 साल के अंदर का है तो आपको यह घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं है, वो आप डायरेक्टली आप सर्टिफिकेट ही प्रोवाइड करोगे, इसके बाद यह घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी पुराना है 1 साल से तो आपको यह घोषणा पत्र देना होगा। इसका मतलब यही है
कि यदि आपका पुराना भी सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। लास्ट टाइम में आपको घोषणा पत्र ये वाला साइन करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप घोषणा पत्र नहीं दे पाते हो या फिर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ गलती होता है तो आपको उसका भी जानकारी मिल जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो आपको अनारक्षण यानी जनरल कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा, वो आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। इसी के बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद अगर आप ओबीसी एनसीएल में आते हो तो सर्टिफिकेट नंबर कैसे देना है, यदि आप नहीं आते हो तो कौन सा सर्टिफिकेट नंबर देना है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गाइस जब आप फॉर्म को आगे भरोगे तो इस प्रकार से पेज आपका ओपन होता है। तो सारे ऑप्शन तो आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताया था, सेम प्रोसेस को फिलअप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात, आपको यहाँ पर एमबीसी से रिलेटेड होती है या फिर बीसी ओबीसी से रिलेटेड होती है यानी कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड होती है कि क्या आपको फिलअप करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिलअप किया हुआ है एमबीसी, जिससे ईबीसी भी बोला जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद नॉन क्रीमी लेयर में आप आते हो तो आप यहाँ जनरली यस ऑप्शन को सेलेक्ट किए होगे तो आपको यहाँ पर यस ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से जनरल ऑप्शन में यदि आपने ईडब्ल्यूएस ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सेक्शन ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको यस ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि यदि आप एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो नंबर देना होगा तो उसमें आपको वह ओबीसी सर्टिफिकेट में एनसीएल सर्टिफिकेट जो ओबीसी का होता है वो आप यहाँ पर फिलअप करोगे। आपको जनरली बीसी का कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है या फिर एबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको नहीं देना है। यहाँ पर देना अगर आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपने बनवाया है तो वो आप यहाँ पर फिल करोगे, ठीक। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपने बनवाया हुआ है तो वह सर्टिफिकेट आप यहाँ पर फिल करोगे, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आपको इशू डेट मिल जाएगा किस सर्टिफिकेट को, आपका डेट को, आपका सर्टिफिकेट जो इशू हुआ था वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा अथॉरिटी ने इशू किया था, जैसे कि सीओ, आरओ, एसडीओ, डीएम या फिर अदर। सीओ का मतलब होता है सर्कल ऑफिसर, जो अभी बंद हो चुका है जनरली बिहार में। अब आरओ रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो आपका साइन करता है, तो आप यहाँ पर देख लोगे। इसी के बाद आपको एसडीओ या फिर डीएम या फिर अदर जो भी अपना साइन किया वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर आपको प्रूफ में दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ आरओ ने आपका सर्टिफिकेट अप्रूव किया तो आप आरओ का डिटेल देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो आपको ऑप्शन ब्लैंक मिल जाएगा। यदि आप अदर ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो यही ऑप्शन आपको इनेबल मिल जाएगा, जिसमें किसने आपका यह सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर लोगे, ठीक। इसी प्रकार से जो जानकारी होगी, आप जो आपका सर्टिफिकेट बना होगा उसमें आपको यह जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि ये देख सकते हो, एक सर्टिफिकेट मैंने बनाया हुआ था बीसी का, तो आपको यहाँ पर बीसी सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा, सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने सर्टिफिकेट नंबर को फिल कर सकते हो, या फिलहाल जो है बीसी सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल करोगे। इसी के साथ साथ एक और नीचे जानकारी मिल जाएगी जिसमें आपको एड्रेस वेड्रेस फिल करके आपको सबमिट करना था। तो गाइस आई होप इस वीडियो की मदद से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप किसी भी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो तो जनरली आप हमारे चैनल पर विजिट करोगे, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करोगे, यहाँ पर आपको बिहार ऑनलाइन करके ऑप्शन का एक फोल्डर मिलेगा। तो आप इस फोल्डर पर जब आप विजिट करोगे ना तो यहाँ पर आपको सारे सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन तौर पर कैसे बना सकते हो, मैंने प्रॉपर वीडियो विथ प्रूफ के साथ आपको बताया हुआ है, एक बार जाकर के आप विजिट कर लो। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाना है तो आप ऑनलाइन तौर पर बना सकते हो, जाति प्रमाण पत्र जिसमें ओबीसी प्रमाण पत्र, बीसी1, बीसी2, एससीएसटी सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हो वो जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इनकम सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हो। इसी के साथ साथ आप यहां देख सकते हो ओबीसी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आप कैसे बनवा सकते हो, ये सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और यह फोल्डर में आपको मिल जाएगी। तो यदि आपको इंपॉर्टेंट है, बनाना है, यदि आपके पास नहीं है तो आप जनरली 10 से 15 दिन में ये सारे सर्टिफिकेट्स बन जाते हैं, तो आप ऑनलाइन तौर पर बनवा लो, उसके बाद ही आप अप्लाई करोगे इस रिक्वायरमेंट के लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो गाइज आई होप इस वीडियो की मदद से आपको सारी जानकारी मैंने प्रोवाइड कर दी होगी। इसके बाद भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, सारी जानकारी मैं आपको कमेंट में भी आपको बता दूंगा। सो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।